बॉलीवुड के फेमस एक्टर सलमान खान अपनी धमाकेदार फिल्म टाइगर 3 के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनकी और कैटरीना कैफ की फिल्म दिवाली पर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी। टाइगर 3 को लेकर खबर थी कि इसमें फैंस को शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिल सकता है। वहीं अब बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के अलावा एक और बॉलीवुड स्टार भी मूवी में कैमियो कर सकते हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर 3 का क्रेज अभी से ही लोगों को देखने को मिल रहा है। बुक माई शो पर 70,000 इंटरेस्ट ऑलरेडी कर दिए गए हैं। फिल्म के ट्रेलर रिलीज का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के अलावा फिल्मी दुनिया के एक और सुपरस्टार टाइगर 3 में कैमियो कर सकते हैं। ये सुपरस्टार ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट या फिर वॉर 2 के एक्टर जूनियर NTR हो सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी ने भी इस नाम पर मोहर नहीं लगाई है। वहीं टाइगर 3 के मेकर्स ने भी इस मामले पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं कहा। आपको बता दें, टाइगर 3 YRF के बैनर तले बनाई जा रही है। इससे पहले पठान और वॉर जैसी फिल्में भी YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा रही। ऐसे में अनुमान लग रहा है कि शाहरुख खान के अलावा ऋतिक रोशन को टाइगर 3 में देखने का मौका मिल सकता है। टाइगर 3 से जुड़ी इस खबर को लेकर फैंस में भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। सलमान खान और कैटरीना कैफ की टाइगर 3 10 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। आपको बता दें, मूवी थ्रिलर और एक्शन से भरपूर होने वाली है। टाइगर 3 से पहले सलमान खान की एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है ने भी खूब धमाल मचाया था और खूब सारी पॉपुलैरिटी भी हासिल करी थी। पर आपको बता दें, अभी फिलहाल इंडियन सिनेमा और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जवान का ही जादू चल रहा है। जवान की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जवान में भी दीपिका पादुकोण और संजय दत्त का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैमियो रोल था, जिसमें वो एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे थे। वह दोनों की एक्टिंग की बात करें तो दोनों ने अपने कैमियो में बखूबी परफॉर्मेंस कर फैंस का एक बार फिर से दिल जीत लिया था। और जवान में शाहरुख खान की एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान ने लाजवाब एक्टिंग से सभी को हैरान कर दिया था। ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।